नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। आज हम इस वीडियो पर छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अगले अध्याय चैप्टर 7 पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने 6 चैप्टर पर आधारित वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आप लोगों को ये सुझाव है कि आप पहले उस चैप्टर को देख लें। उस चैप्टर को देखते हुए आप ये समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण को कवर कर रहे हैं। एक ब्रीफ अगर मैं आप लोग को दे दूं तो हम आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख टॉपिक का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सार निकालते हैं और उसके बाद CGPSC के पैटर्न पर आधारित हम प्रश्न सॉल्व करते हैं जिससे हमारे टॉपिक की पकड़ और मजबूत हो जाती है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 7 पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। इस वीडियो पर आधारित या इस वीडियो पर दिखाए गए पावर पॉइंट को आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृषि से आधारित हम यहां पर आंकड़े देखने वाले हैं, तो सबसे पहले स्लाइड पर हम पहुंचे तो सबसे पहले स्लाइड पर जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या आप देख रहे होंगे जिसकी निर्भरता कृषि क्षेत्र पर है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण इस पर देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कृषक परिवारों की संख्या। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या क्या है और इन कृषक परिवारों में से कितने प्रतिशत कृषक जो हैं वो लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अर्थात छोटे किसान या फिर जिनके पास छोटे भूमि का स्वामित्व है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंचाई से संबंधित कुछ जानकारी इस पॉइंट पर दी गई है, वो ये है कि वर्तमान में लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से 52% जलाशयों और नहरों के माध्यम से की जाती है। तो अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से की जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो आप उसका सही उत्तर चुनेंगे नहर और जलाशय। और अगर प्रतिशत आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे 52%। और वहीं सिंचाई की अगली जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलेगी कि 29% क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो कृषि है उसकी निर्भरता अगर आप देखें तो मुख्य रूप से ये वर्षा पर निर्भर होती है। 52% और 29% वाले आंकड़ों की जानकारी आप अपने पास रख लेंगे। इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना प्रबल बनती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रदेश की लगभग 55% काश्त भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। तो देखिए, किसी भी एक भूमि में हम क्या करते हैं, फसल बार बार लेते जाते हैं। अगर आप देखें, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक भूमि का टुकड़ा है, उसमें आप खरीफ सीजन पर भी आप फसल उगाएंगे, आप रबी फसल भी उगाएंगे, लेकिन जब सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, संसाधन जब कम होंगे, तब आपकी भूमि की उर्वरकता कम हो जाएगी और आप उसमें एक से ज़्यादा फसल लेने के सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर, इन आंकड़ों पर या इन जानकारी के आधार पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, और जो दूसरा कथन कहा जा रहा है वो है 37.46% कृषक परिवारों में से 36% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। तो जिस भी ऑप्शन पर हमें 1 और 2 दोनों सही दिखेगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो गुड रूपी ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है और यहाँ पर सही ऑप्शन के तौर पर हमें मिलता है ऑप्शन सी। तो चलिए अन्य प्रश्न पर हम नजर डालते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के कथनों की सत्यता हमसे पूछी जा रही है। तो पहला कथन कहता है कि प्रदेश में सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशय नहरों के माध्यम से सिंचित है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा कथन कहता है कि 29% क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही कथन है। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही। तो चलिए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं अगले स्लाइड के माध्यम से और देखते हैं किस प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार की जानकारी दी जा रही है और इस योजना के अंतर्गत कुछ हमें यहाँ पर एक टेबल नुमा जानकारी दी जा रही है आंकड़ों की। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि प्रदेश में सिंचाई 100 से 36% सिंचाई क्षमता है,
अब शाकंभरी योजना, तो आप शाकंभरी योजना के बारे में और विस्तार पूर्वक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो कमेंट सेक्शन पर आप उत्तर देते हैं ये काफी अच्छा लगता है मुझे। इससे ये समझ में आता है कि कुछ छात्र वर्गों को इस वीडियो सीरीज के माध्यम से लाभ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में सिंचाई स्रोतों से राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो सही उत्तर है 36% और ऑप्शन ए को आपने सही उत्तर के रूप में चुन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं और यहाँ पर एक योजना है सूक्ष्म सिंचाई योजना। देखिए जब भी आप कृषि वाला चैप्टर पढ़े इस आर्थिक सर्वेक्षण पर, तब आप ध्यान रखें कि किस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर को सजाया गया है, उसको अरेंज किया गया है। पहले आपको सिंचाई के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है, आगे चलते आप देखेंगे कि फिर आपको उर्वरक के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बाजार के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है। तो कृषि क्षेत्र के जितने भी संस्थागत यहाँ पर ढांचे होते हैं उन सारे ढांचों को आधार लेकर आंकड़े आपके सामने दिए गए। जब भी आप कृषि चैप्टर पढ़ें तो आप बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों को ध्यान में रखकर पढ़ें। बैकवर्ड लिंकेजेस से क्या तात्पर्य है कि फसल के उत्पादन होने तक की कहानी, अर्थात बीज, सिंचाई, उर्वरक, रसायन, ये सारे जो चीज होते हैं इनकी कहानी ये बैकवर्ड लिंकेजेस में आती है। और फॉरवर्ड लिंकेजेस किसे कहते हैं कि फसलों का उत्पादन हो जाने के बाद की कहानी क्या होगी। तो सबसे पहले जब फसल का उत्पादन हो जाता है तो फसलों को जो अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज चाहिए वो है बाजार। बाजार के बाद आप देखेंगे कि कुछ बीमा से संबंधित भी बात हो रही है, कुछ स्टोरेज से बात हो रही है, कुछ मंडियों से लेकर बात हो रही है, विपणन। तो ये आप सारी चीजें इस प्रकार से देखेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर दो वर्गों के कृषकों को बांट दिया गया है उनके अनुदान के आधार पर। तो हम प्रश्न ही देख लेते हैं सीधा और फिर उसके बाद इस इमेज पर आएंगे और हम इमेज को देखते हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकल पर, किस पर, स्प्रिंकल पर, स्प्रिंकल इरिगेशन। तो आप इस प्रकार की योजना जो स्प्रिंकल जैसी योजना या डीप इरिगेशन जैसी योजना होगी उस पर आप ध्यान लगाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाले सिद्धांत को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो आप यहां पर देख रहे होंगे 70% अनुदान दिया जाता है। तो आप यहां पर इस इमेज पर आएं और देखें कि लघु सीमांत कृषकों को 70% अनुदान यहां पर मिल रहा है, जिसमें से केंद्र का जो हिस्सा बनता है वो 33% और राज्यों का जो हिस्सा बनता है वो 37%। अर्थात 70% अनुदान मिलेगा लघु सीमांत कृषकों को और जिसमें से केंद्र जो भार वहन करेगी वो 33% है और जो राज्य सरकार वहन करेगी वो 37% है। दूसरे कथन पर आते हैं तो अन्य किसानों को 50% दिया जाएगा। कथन में दिया गया है कि इसमें से 27% का भार राज्य के ऊपर होगा और 23% का भार केंद्र के ऊपर होगा। लेकिन जब आप इस इमेज पर आते हैं तो यहाँ पर स्थिति कुछ विपरीत देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि कुल अनुदान जो 50% यहाँ पर दिया जा रहा है अन्य किसानों को, उसमें से केंद्र का जो हिस्सा है वो 27% है और राज्य का जो भार है वो 23% है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा कथन तो हमें यहां पर सही होता हुआ नहीं दिखता, ये गलत होता हुआ दिखता है। तो चलिए हम आते हैं कूट रूपी ऑप्शन की ओर और देखते हैं कि केवल एक कहां पर है। तो केवल एक जो हमें देखने को मिलेगा ये ऑप्शन ए पर देखने को मिलेगा और इस प्रकार से ये सही ऑप्शन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का जीएसडीपी पर, किस पर, जीएसडीपी पर योगदान। तो इसमें पूरे कृषि क्षेत्र की बात नहीं की जा रही है, पूरे प्राथमिक क्षेत्र की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर सिर्फ फसल की बात की जा रही है। सिर्फ फसल के बारे में जीएसडीपी पर क्या योगदान है उसको हम यहाँ पर देखेंगे इस इमेज पर। तो यहाँ पर आपको योगदान दिख रहा होगा 2019-20 के सिर्फ आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पर मौद्रिक मूल्य आपको बताया गया, मौद्रिक मूल्य के बाद 2018-19 से लेकर 19-20 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है इसे बताया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर योगदान का प्रतिशत बताया गया, अर्थात इस जीएसडीपी में फसल क्षेत्र का कितना योगदान है, ये मनी वैल्यू कितना परसेंटेज बताएगा छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी पर। और ध्यान रखिएगा ये स्थिर भाव पर आपसे पूछा जा रहा है, अगर स्थिर भाव और प्रचलित भाव जैसे अवधारणाएं आपको क्लियर नहीं है तो आप चैप्टर 3 पर एक बार जाकर फिर से इसे क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं कि फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान की प्रवृत्ति रही है,
देखिए प्रवृत्ति ट्रेंड पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो प्रवृत्ति अगर आप देखें तो आप क्या पाएंगे कि 2018-19 से 2019-20 में हमें यहाँ पर नेगेटिव कुछ देखने को मिलता है, अर्थात जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम होते हुए दिखती है। लेकिन जब 17-18 से आप देखेंगे तो आप ग्रोथ रेट को यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे, और फिर उसके बाद जब आप 16-17 से 17-18 पर आएंगे तो फिर से ग्रोथ रेट थोड़ी सी गिरती हुई दिखेगी। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि पहले हमें यहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिली, फिर कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली, और फिर उसके बाद फिर से कुछ गिरावट देखने को मिली। तो इस प्रकार से प्रवृत्ति जो रही है फसलों की जीएसडीपी में ये उतार चढ़ाव वाली हमें देखने को मिलती है, और इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाता है कि उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति बनी हुई है फसलों का जीएसडीपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना के बारे में बात करते हैं। देखिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना तो ये कृषि के चैप्टर के लिए बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड कृषकों के लिए तो लाभ लेकर आता ही है, साथ ही साथ सरकार के खजानों पर भी ये कम भार डालता है। देखिए जब भी आप किसी भी प्रकार की फसल उगाते हैं तो फसलों की अपनी एक मांग होती है, न्यूट्रिएंट की मांग होती है, और उन न्यूट्रिएंट की कमी अगर हमारे मृदाओं पर देखने को मिलती है तो उर्वरक के माध्यम से हम उन न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। तो कई बार अज्ञानता के कारण या फिर ज्ञान की कमी के कारण हम ये देखते हैं कि किसान आवश्यकता से अधिक कोई उर्वरक डाल देते हैं, और जो फसलों को नहीं भी चाहिए होता है वो उर्वरक हम दे देते हैं, और उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती नहीं है बल्कि और सॉइल पॉल्यूशन जैसी समस्या हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ उर्वरक में सरकार सब्सिडी भी देती है, तो ये जो सब्सिडी का जो व्यय है ये किसी अलग ही डायरेक्शन पर चला जाता है और वो उद्देश्य फुलफिल नहीं कर पा रहा होता है जिसके लिए सब्सिडी सरकार दे रही होती है। इसलिए सॉइल का टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, सॉइल का हेल्थ कैसा है, इसमें न्यूट्रिएंट कैसे हैं, इसकी जानकारी निकालना बहुत ही जरूरी है, और ये प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना इसी उद्देश्य को पूर्ण करता है। तो चलिए इस पर हम देखते हैं क्या क्या जानकारी। तो इसमें जानकारी जो दी गई है ये वर्ष 2019 की जानकारी है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि वर्ष 2019 में लगभग 90% जो सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं उनका नमूना संग्रहित कर लिया गया है, अर्थात जितने भी यहां पर लक्ष्य बनाए गए थे उसमें से 90% नमूना संग्रहित कर लिया गया, और उसमें से भी 82% हम ये देखेंगे कि 90% हमने यहाँ पर संग्रहित किया और 82% जो सैंपल थे उनका विश्लेषण कर दिया गया, और 94% फिर क्या किया गया, इसे ठीक करके वितरित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जैविक खेती को बढ़ावा जैसे टॉपिक को भी हम देख लेते हैं। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अर्थात केमिकल हीन उर्वरक मिट्टी को देना जिससे मिट्टी की मृदाओं की जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादा विकसित हो, ज़्यादा उत्पादन देखने को मिले, साथ ही सतत तौर पर। केमिकल के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ता तो ज़रूर है लेकिन ये जो उत्पादन है ये सतत नहीं होगा क्योंकि इसमें आपकी मृदा भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो इस योजना के बारे में ये बताया गया कि राज्य पोषित योजना वर्ष 2014 में और केंद्र वाली योजना 2016 में हम यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना। अब पूर्ण जैविक जिला अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण जिलों में से 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला कर दिया गया है, अर्थात यहाँ पर जो कृषि होती है वो जैविक खेती होती है, जिसमें से जिला आप देख रहे होंगे गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर। साथ ही साथ बाकी के जो 22 जिले हैं उन 22 जिलों में से एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक बनाना भी उद्देश्य में शामिल है। और उसके बाद यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें इतना ज़्यादा ध्यान अगर आप नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से इसमें पूछे जा सकते हैं कि इसका शुभारंभ कब किया गया। तो इसका शुभारंभ यहाँ पर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण पर इस टॉपिक को पढ़े तो सबसे पहले लाइन पर ही आप पाएंगे कि 19 फरवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया, और इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित कथन पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला कथन कह रहा है कि राज्य पोषित जैविक खेती मिशन वर्ष 2014 से संचालित है और केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना वर्ष 2015 से संचालित है। तो दूसरा कथन हमें यहाँ पर गलत देखने को मिलता है क्योंकि 2015 से नहीं अपितु 2016 से संचालित है केंद्र वाली योजना,
और सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, केवल एक सही। तो अभी तक हमने सिंचाई की कहानी कुछ देख ली, अब हम उर्वरक के बारे में भी देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इस सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना पर आधारित कुछ और प्रश्न, और वो हमें यहाँ पर मिलता है कि प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना अब कुछ अलग मिला आपको, असत्य कथन पहचानना है। तो यहाँ पर आप जब इन सारे कथनों को आप देखेंगे, सारे ऑप्शन को आप देखेंगे और यहाँ पर दिए गए पॉइंट पर नजर डालेंगे, तो आप पाएंगे कि जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मृदा नमूनों का संग्रहण 82% नहीं बल्कि कितना है, तो ये आप देख रहे होंगे 90%। तो ऑप्शन सी असत्य होने के कारण हमारा सही ऑप्शन बन जाता है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद इस पूर्ण जैविक जिलों की संख्या पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि कितना है, तो आपको पता है वो कितना है, 5। अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण जैविक जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर बीजापुर, तो पहला अगर आप बीजापुर देखते हैं तो बिल्कुल ये आपका पूर्ण जैविक जिलों वाले जिलों की संख्या के अंतर्गत आ रहा है। तो जहां जहां पर आपको वन नहीं दिखेगा उसे आप क्रॉस कर देंगे, अर्थात बी और सी आपका अब क्या हो चुका है, हट चुका है। तो आपके पास अब दो ऑप्शन रह गए हैं, अर्थात 50% प्रोबेबिलिटी है आपके क्वेश्चन सही होने की। और इस प्रकार से अब आप देखें सुकमा है क्या, तो सुकमा भी बिल्कुल है। दंतेवाड़ा है क्या, तो दंतेवाड़ा भी है, नारायणपुर भी है और गरियाबंद भी है। लेकिन ये अंतिम के जो दो जिले हैं ये पूर्ण जैविक जिले नहीं है। तो जहां पर भी आपको 6 और 7 दिखेगा आप उसे काट देंगे, तो 3 ऑप्शन यहां पर क्या हो चुके, कट हो चुके हैं। तो बेशक अब एक ही ऑप्शन बच जाता है, वही सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी को अगले स्लाइड पर लेकर चलते हैं और अब हम मार्केट की ओर आते हैं, कृषि विपणन। तो आपको पता है ये हमने पहले चैप्टर पर भी इस पर बात की थी कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो मंडियों की संख्या है वो है 69 और उप मंडियों की संख्या है 118, 118। और फिर उसके बाद इन मंडियों में आवक की कहानी दी गई है अलग अलग वर्ष में, 2017-18, 2018-19 और 18-19 और 19-20 के कंपैरिजन यहां पर दिया गया है अप्रैल से सितंबर माह तक। आगे बढ़ते हैं और इस पर प्रश्न देखते हैं और आपको ऑब्वियसली सत्य कथन का चयन कर, ये सत्य कथन का चयन इसलिए बार बार मैं करवाता हूँ क्योंकि आप इस पॉइंट को बार बार देखें और आपको ये सारे जो आंकड़े हों वो अच्छे से याद हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां, 118 उप मंडियां कार्यरत है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन इस वाले स्लाइड पर आपको नहीं देखने को मिलेगा लेकिन ये कथन भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन के तौर पर हमें सही ऑप्शन दिखता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर हम नजर डालते हैं और यहाँ पर आवक के संदर्भ में कुछ दिया गया है और हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, अर्थात मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है जिसमें दो कॉलम है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, एक तरफ आवक दी गई है और उसके बाद हमें ये ऑप्शन पर मैच करना है। तो 2017-18 पर अगर आप देखें तो उसका ये पहला पॉइंट बिल्कुल मैच करता है कि 92,39,735 टन। जब आप 18-19 पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि 1,06,90,019 टन और 2019-20 का जो सबसे लेटेस्ट वाला डेटा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 2019-20 वित्तीय वर्ष के माह से सितंबर की अवधि में, तो 16,82,000 टन। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3 सही मैच होता है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा ऑप्शन बी पर और सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद मंडियों की आय पर हम बात करते हैं कि कब कब कितनी आय हुई। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2017-18 की राशि, 2018-19 की, बट मेरे ख्याल से इस पर आधारित प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है और इतने जटिल आंकड़ों को याद करना भी उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं देखने को मिलता। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना ही जरूरी है या फिर छोड़ देने में ही समझदारी है क्योंकि आवश्यकता से अधिक वीरता वीर गति का कारण होती है, बेशक आप लोगों को अब तक ये समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार, या फिर इसे आप इंग्लिश में अगर कह दें तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आप इसे कहेंगे। ये क्या है, ये एक योजना है जिसमें पूरे देश के कृषि बाजारों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा।
सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि गरियाबंद का कोई एक किसान है, उसने उत्पादन किया, मान लीजिए उसने चावल का उत्पादन किया, किसी भी प्रकार के फसल का उत्पादन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार में या उसके आसपास के बाजार में उसके फसल का मांग नहीं है, मांग ना हो जाने के कारण उसे हानि हो सकती है। लेकिन अगर हम सारी मंडियों को एक साथ जोड़ दें पूरे देश की, तो हो सकता है कि उसे अपने आसपास के मार्केट पर डिमांड तो नहीं दिखेगी, लेकिन हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में कोई इस फसल का मांग बना रहा होगा। तो इससे होगा क्या कि जब बाजार का विस्तारीकरण हो जाएगा तो कृषकों के पास में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अपनी वस्तुओं को, अपने फसलों को बेचने से, जिससे उनकी आय भी सुनिश्चित होगी। तो इसी अवधारणा को फुलफिल करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये योजना लाई गई। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषक उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। ये आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, लेकिन जब आप लेटेस्ट अपडेटेड देखेंगे तो इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम आर्थिक सर्वेक्षण अभी कर रहे हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर ही हम अब ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित 14 नियमित कृषि उपज मंडियों को जोड़ा जाएगा और उन्हें इसीलिए चिन्हांकित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और प्रथम चरण पर कितनी मंडियों को जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और आपको दिखता है नवापारा, अर्थात 5 मंडियों को जोड़ा जाएगा। और दूसरे चरण पर अगर आप बात करें तो इसमें रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़, इन मंडियों को जोड़ा गया। अब यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि पहला कथन क्या कहता है। तो पहला कथन तो आपको क्लियर है कि 59 कृषि उपज मंडी और 118 उप मंडियाँ कार्यरत हैं। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर आप ये वाला जो फैक्ट देखेंगे, 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, तो ये भी सही कथन बन जाता है। और तीसरा कथन आप देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 15 नियमित कृषि उपज मंडियों को चिन्हांकित किया गया है, ऐसा तीसरा कथन कह रहा है। लेकिन तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि 15 नहीं, यहाँ पर आंकड़े कितने दिए गए हैं, यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं 14 नियमित कृषि उपज मंडी। तो इस प्रकार से तीसरा कथन गलत हो जाता है, और जिस ऑप्शन पर हमें कथन एक और कथन दो सही होता हुआ दिखेगा वो हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा, और वो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन बी पर, और इस प्रकार से सही उत्तर हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्न पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रथम चरण में कौन से स्थान सम्मिलित नहीं है। प्रथम चरण पर देखिए राजनांदगांव तो सम्मिलित है, बिलासपुर सम्मिलित नहीं है, कवर्धा सम्मिलित है और कुरुद भी सम्मिलित है। तो जहां जहां आपको बिलासपुर दिखेगा उसे काट दीजिए, और ठीक उसी प्रकार से और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो सिर्फ हमें क्या खोजना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सही ऑप्शन यहां पर हो जाता है ऑप्शन बी, केवल दो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो ऐसी गलती ना करें कि आप फ्लो फ्लो में निकल जाएं। तो प्रश्न पढ़ते समय आप अपनी बौद्धिक चिन्हता को उपस्थित रखेंगे एग्जाम हॉल पर। तो इस प्रकार से आप सही ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन बी को यहाँ पर चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के बारे में देखते हैं। तो प्रदेश की 11 मंडियाँ क्रमशः मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, तो यहाँ पर क्या है ये प्रयोगशाला अर्थात लेबोरेटरी, तो यहाँ पर लैब है, यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा मिट्टियों का। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद विपणन पर आधारित या विपणन को और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ यहाँ पर और जानकारी दी गई है। देखिए एग मार्क नेट पोर्टल, तो ये क्या करता है, तो इसमें दिन भर का सभी प्रकार के फसलों की आवक क्या है, उसका मोल भाव कितना है, इसको अपडेट करता है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए होगी डेली बेसिस पर तो आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, इस पोर्टल पर चले जाएंगे, नहीं तो फिर आप इस मोबाइल ऐप पर भी आप जा सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा www.agriportal.cg.nic.in पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आदर्श मंडी की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है, तो धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा एवं मुंगेली। अब यहाँ पर आप देखते हैं प्रश्न और प्रश्न पर पाते हैं कि कितने मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, और आपको पता है कि उसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 11। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न कहता है कि किस स्थान पर आदर्श मंडी की स्थापना नहीं की गई है, और ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए धमतरी पर तो की गई है,
तो ये तो सही ऑप्शन नहीं हुआ। फिर कुरूद पर भी किया गया है, ये भी सही ऑप्शन नहीं हुआ। कवर्धा पर भी किया गया है तो ये भी सही ऑप्शन नहीं हुआ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाता है? बिलासपुर। तो सही ऑप्शन आप चुन लेते हैं डी। तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ स्थापना की गई है और कहाँ नहीं की गई है, इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और किसान शॉपिंग मॉल को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मॉल का मतलब तो आप जानते हैं, कोविड के बाद अनलॉक प्रक्रिया जो शुरू की गई है उसमें मॉल ओपन हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनावश्यक तौर पर वहाँ पर विचरित होते रहें। अगर आप वहाँ पर विचरण करेंगे तो आप समझ लीजिए कोरोना महामारी के खतरे के निशान पर आ रहे हैं। तो अनावश्यक तौर पर आप नहीं घूमेंगे, लेकिन ये मांग जरूर थी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि ज़्यादा लॉकडाउन होगा तो कोविड से ज़्यादा दिक्कत हमें गरीबी और बेरोजगारी देखने को मिल जाएगी। खैर ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, आप इसमें तर्क वितर्क दे सकते हैं। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कमेंट सेक्शन पर जाकर इस लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की जो प्रक्रिया चालू की गई उस पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दे देते। इससे कुछ आप लोगों के विचार भी मैं देख पाऊंगा और समझ पाऊंगा कि आप इस कोविड का इकोनॉमिक एंगल कितने बेहतर तरीके से देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्लाइड पर आते हैं, बैक टू द बेसिक्स। राजनांदगांव मंडी में कृषकों तथा मंडीकृत कार्यों की सुविधा हेतु किसान शॉपिंग मॉल 2.29 करोड़ की लागत से वर्ष 2010 में निर्माण किया गया। ये डेट ईयर याद रखिएगा, वर्ष 2010। शॉपिंग मॉल में क्या किया जाता है? तो यहाँ पे कृषि आदान, खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पार्ट, छड़, सीमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी, मनोरंजन हेतु मल्टीप्लेक्स टॉकीज। तो देखिए जब आप इस मॉल पर जाएंगे, अगर आप किसान हैं तो आप वहां जाएंगे, आप खाद बीज खरीदेंगे, साथ ही साथ अगर आप वहां पर बोर हो गए तो आप वहां पर टॉकीज भी है, वहां मनोरंजन के लिए आप वहां पर रुक भी सकते हैं। तो इस जानकारी के बाद अगर आप प्रश्न देखें तो यहां पर आप पाएंगे कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। चलिए तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि शॉपिंग मॉल ₹2.29 करोड़ की लागत से बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन कहता है कि वर्ष 2012 में इसका निर्माण कराया गया। तो ये कथन क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 2012 नहीं 2010 में निर्माण किया गया था। ये मैंने अभी आपको कहा था कि इसका ईयर आप याद रखेंगे। सही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा केवल एक, अर्थात ऑप्शन ए। तो अब हम आते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी से संबंधित जानकारी। तो कृषि वाला सेक्शन समाप्त हो गया है, अब यहाँ पर उद्यानिकी वाली जानकारी कुछ देखने को मिलेगी इस इमेज में। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न पर ही आ जाते हैं और फिर उसके बाद इमेज पर चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि निम्नलिखित को उत्पादकता मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, तो ये सबसे जो लास्ट कॉलम है इस लास्ट कॉलम पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। व्यवस्थित करने को कहा जा रहा है और किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पर व्यवस्थित करना है। तो इसमें इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्पादन मैट्रिक टन पर, अर्थात उत्पादन के आधार पर अरेंज करिए। तो उत्पादन पर प्रश्न तो पूछा जा ही चुका है, लेकिन हम इस प्रश्न पर उत्पादकता देखने वाले। तो उत्पादकता अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी सब्जी की, फिर उसके बाद देखने को मिलेगी फल की, और उसके बाद देखने को मिलेगी मसाला की। तो इस प्रकार से उत्पादकता में फर्स्ट नंबर पर आ जाता है सब्जी, सेकंड पोजीशन पर हमें देखने को मिलता है फल, और थर्ड पोजीशन पर हमें देखने को मिल रहा है मसाला। तो ये आपको सीक्वेंस बनता हुआ दिखेगा, सब्जी, फल, मसाला, और ये सही ऑप्शन के तौर पर आप चूज कर लीजिए, ऑप्शन ए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उत्पादन के आधार पर इस प्रश्न को बना दिया जाए तो भी सही ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा सब्जी का हुआ है, और फिर उसके बाद फल का हुआ है, और फिर उसके बाद हुआ है मसाला का। और ये अवधि कब की है? तो ये अवधि है 2018-19 की। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल संसाधन पर आधारित जानकारी देख लेते हैं, प्रश्न भी साथ ही साथ करते चलेंगे। यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र कितना है अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे 137.9 लाख हेक्टेयर, जिसमें से लगभग 42% क्षेत्र वनाच्छादित है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जल की जो संसाधन है, जो जल संसाधन है उसकी मात्रा और उसका उपयोग दिया गया है। तो अगर यहाँ पर आप सतही जल, अर्थात अगर आप इसे इंग्लिश में कहें तो सरफेस वाटर, देखिए दो प्रकार का वाटर रिसोर्स होता है, एक जो सतह पर बहता रहता है जैसा नदी, और एक भूगर्भीय जल जिसमें आप बोर से या फिर आप हैंडपंप से पानी निकालते हैं, इसे आप ग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं। तो क्या है, कितना है ये रिसोर्स राज्य में? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 48,296 मिलियन क्यूबिक मीटर, और अगर आप भूगर्भीय जल की देखें तो 11,630 देखने को मिलेगा।
उपयोग किया कितना किया जा रहा है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 41,720 मिलियन क्यूबिक मीटर। आगे बढ़ते हैं और अन्य जानकारी देखते हैं कि प्रदेश के कुल 146 विकास खंड में से क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो सुरक्षित श्रेणी अर्थात जहाँ पर जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है वो कितने विकास खंड है तो 122। आंशिक रूप से संकटपूर्ण अर्थात पार्शियल जो यहाँ पे समस्या देखने को मिलेगी वो आपको 22 विकास खंड में देखने को मिलेगी और टोटली संकटपूर्ण श्रेणी में हमें देखने को मिलता है 2 विकास खंड। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुरक्षित श्रेणी में कितने विकास खंड है और फिर आंशिक संकटपूर्ण और संकटपूर्ण श्रेणी में कितने विकास खंड है। तो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं कि सतही जल की मात्रा कितनी है ये पूछा जा रहा है आपको इस प्रश्न में और वो कितना है और वह आपको देखने को मिलेगा सही ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन ए 48,296। तो ये सही ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा कितनी है तो ये सही कथन बन जाता है। इनमें से 41,720 का उपयोग में लाया जा सकता है तो ये भी सही कथन बन जाता है और फिर उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार कितना है भूगर्भीय जल की मात्रा छत्तीसगढ़ में तो ये भी सही आंकड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही सही। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं सिंचित सिंचाई क्षमता कहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में। यहां पर आप देखेंगे कि राज्य के गठन के समय और वर्तमान में अर्थात ये मार्च 2019 तक की अवधि में क्या क्या सिंचित की गई है सिंचाई की क्षमता। तो जो वृहद आपको परियोजनाओं की संख्या देखने को मिलेगी राज्य गठन के समय वो 3 थी जो कि बढ़ के हो गई 5 और मध्यम आपको देखने को मिलेगा 29 जो कि बढ़ के हो गया 37 और लघु सिंचाई योजना आपको देखने को मिलेगा 1945 जो कर बढ़कर हो गया 2395। अब राज्य गठन के समय जो सिंचाई क्षमता थी राज्य की वो 13.28 लाख हेक्टेयर थी जो कि अब बढ़कर हो गई है 20.99 लाख हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं और अन्य जानकारी देखते हैं कि राज्य निर्माण के बाद 7.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि 20.99 लाख हेक्टेयर है इसमें से जब आप माइनस कर देंगे 13.28 लाख हेक्टेयर तो जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो 7.71 लाख हेक्टेयर मिलने वाली है और वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत हो चुका है 37। आगे बढ़ते हैं आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए जो आप कमेंट सेक्शन पर देंगे अपनी भागीदारी वहां सुनिश्चित करेंगे वो ये है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र और कुल बोए गए क्षेत्र इन दोनों के मध्य अंतर क्या है, इन दोनों शब्दों से आप क्या समझते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है। तो जिन लोगों को क्लियर है वो कमेंट सेक्शन में बता दे और जिन लोगों को डाउट होगा वो देखकर वहां से सीख जाएंगे तो आपको तो लाभ होगा ही होगा साथ में आप दूसरों को भी लाभ दिलाने वाला एक माध्यम बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न के जो प्रश्न यहां पर कह रहा है वो कितना सिंचित क्षेत्र है तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 20.99 लाख हेक्टेयर। दूसरा यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलता है और प्रश्न अगर आप सत्य कथन का चयन करें तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि गठन के समय 3 वृहद 29 मध्यम और लघु है 1945 और जब आप दूसरा कथन देखें तो ये भी बिल्कुल सही होते होते रह जाता है कि 8 वृहद 38 मध्यम। अब ये माध्यम लिखा हुआ है आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि ये मध्यम होगा और यहाँ पर आप पाएंगे कि 38 नहीं 37 मध्यम है बाकी लघु की संख्या तो सही है। तो सही ऑप्शन के तौर पर आपको यहाँ पर मैंने ऑप्शन सी टिक कर दिया है लेकिन ये स्लाइड में गलती है आप सही ऑप्शन के तौर पर चुनेंगे केवल एक क्योंकि हम देखेंगे कि 38 मध्यम नहीं 37 मध्यम परियोजना है। आगे बढ़ते हैं अब वृहद निर्माण परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं और इसमें सबसे पहली जो परियोजना आप देखेंगे वो है अरपा भैंसाझार परियोजना जिसे आप करेक्ट कर लेंगे स्लाइड में मैनुअल मिस्टेक है ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ये लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं इस परियोजना से तो बिलासपुर जिले के कोटा बिल्हा एवं तखतपुर विकास खंड के 102 ग्राम इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है तो आप इन विकास खंडों के नाम याद रखेंगे कोटा बिल्हा एवं तखतपुर विकास खंड। आगे बढ़ते हैं स्थिति क्या है यह योजना जिला बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोटा विकास खंड में
ग्राम भैसाजार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि अरपा नदी और जो आपको ग्राम देखने को मिल रहा है वो क्या है, भैसाजार। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं कि अरपा भैसाजार परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। किसका? असत्य कथन का। तो पहला कथन ये कहता है कि इस योजना यह योजना जिला बिलासपुर के अंतर्गत कोटा अरपा नदी पर स्थित है, तो ये तो सही ऑप्शन है। इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। देखिए कथन सही है लेकिन पूछे गए प्रश्न के हिसाब से आप इसे सही ऑप्शन के तौर पर नहीं चुनेंगे। और फिर उसके बाद योजना से बिलासपुर जिले के कोटा बिला एवं तखतपुर विकास खंडों के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। तो ये दोनों ही कथन क्या हो चुके हैं, असत्य हो चुके हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से क्योंकि ये दोनों ही कथन सत्य हो जाता है लेकिन हमसे पूछा गया असत्य कथन, तो आप चुनेंगे इनमें से कोई नहीं। अगर पूछा होता कि सत्य कथन क्या है तो ऑप्शन सी चुनते, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इसमें कितनी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, तो प्रमुख तीन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे केलो योजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना शामिल किए गए। तो सबसे पहले प्रश्न आ चुका है कि इसके अंतर्गत चिन्हांकित कितने, 92 और 3 परियोजनाएं। तो देखिए ये पहले कथन के हिसाब से ये दोनों ही कथन सही हो जाता है। तो अगला जो हमें देखना है वो क्या है कि सत्य कथन पूछा गया है कि नहीं। तो सत्य कथन पूछा गया है तो हमें सही ऑप्शन के तौर पर मिलेगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। तो अगले प्रश्न पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख तीन योजनाएं शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस योजना का चयन करें जो शामिल नहीं है। तो नीचे आपको यहाँ पर 4 परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं और बताना है कि शामिल कौन सा नहीं है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। तो देखिए केलो तो शामिल है, खारंग भी शामिल है, मनियारी भी शामिल है, अरपा शामिल नहीं है। तो अरपा शामिल नहीं है तो आपको 4 कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको 4 देखने को मिलेगा ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में, लेकिन बाकी तो शामिल हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों भी सही ऑप्शन तो नहीं बनते, ऑप्शन ए तो नहीं बनेगा दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपने 4 देखा और सीधा पहुंच गए और कोई सा तो चूज करना है, क्योंकि सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपको चूज करना होता है और इस क्वेश्चन के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और अब महानदी आयाकट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया गया। और उसमें सबसे पहले बात करते हैं मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति आप देखेंगे कि यह कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिला, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो पहला कोरबा, फिर जांजगीर चांपा और फिर रायगढ़ को आप चुनेंगे। तो अब यहाँ पर अगली योजना आप देखें तो वो दिखेगा केलो परियोजना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रायगढ़ शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ अंबिकापुर राजमार्ग पर ग्राम तनोट में केलो नदी पर यह प्रस्तावित है। लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से होंगे, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा ये जिले लाभान्वित होंगे। अब प्रश्न देखते हैं कि मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना के संदर्भ पर ऑब्वियसली सत्य कथन का चयन करें। तो लाभान्वित जिला अगर आप देखें तो कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ आपको दिया गया। तो देखिए ये तो सही हो गया क्योंकि हमने इस पर चर्चा कर ली है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक लाभान्वित जिला जांजगीर चांपा है। देखिए ये भी सही ऑप्शन बन जाता है। तो सही ऑप्शन बन जाने के कारण हमें मिलता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। देखिए सही ऑप्शन बोल दिया तो सही कथन कहना था मुझे। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न पर चलते हैं जो केलो परियोजना से संबंधित है। यह परियोजना रायगढ़ शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर धनौट में केलो नदी, तो ये तो सही कथन हो गया। और इस परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से, तो कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़। देखिए कोरबा के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, तो हमारा जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा और सही कथन के तौर पर आप चुनेंगे सिर्फ 1 को, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम एनिमल हस्बेंड्री पर बात करते हैं, अर्थात पशु धन के बारे में अब बात होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं पशु संगणना 2012 के अनुसार। तो क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं, तो प्रदेश में पशुधन की संख्या कितनी है, तो 1.50 करोड़। और फिर उसके बाद जब प्रदेश में कुक्कुट एवं बत्तख या पक्षी धन की बात की जाए तो 1.80 करोड़। तो ध्यान रखिएगा दोनों को मिक्स नहीं करेंगे।
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पशुधन का या एनिमल हस्बेंड्री का जीएसडीपी में क्या भागीदारी रही है, तो ये आपको देखने को मिलेगा इस इमेज पर। यहाँ पर आपको मौद्रिक मूल्य देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रतिशत वृद्धि, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा योगदान में प्रतिशत। आगे बढ़ते हैं और गौवंशी एवं भैंस वंशी पशुओं के विकास के बारे में क्या कहा गया है, तो आप देखेंगे कि पशु संगणना 2012 के अनुसार गौवंशी एवं भैंस वंशी प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या कितनी है, तो ये है 36.34 लाख। ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला कथन सही है, दूसरा आप देखेंगे दूसरा कथन भी सही है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन बन जाता है और आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रवृत्ति क्या है एनिमल या पशुधन की। आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला, कुछ ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई। फिर उसके बाद आप फिर 2016 से 17 में आप जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद 2015-16 पर आप जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। तो सही ऑप्शन के तौर पर आप यहाँ पर उतार चढ़ाव को क्यों चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है पूरे के पूरे इस इमेज पे। और सबसे पहले जब आप देखेंगे कि 2013-14 में हमें यहाँ पर कुछ नेगेटिव चेंज देखने को मिलता है, अर्थात वृद्धि दर क्या हुई है, गिरी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ 1-2 साल 3 साल को आपको नहीं ध्यान में देना है, अगर प्रवृत्ति पूछी गई है पूरी की पूरी प्रवृत्ति, तो आपको कम से कम जितने आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण पर दिए गए हैं उन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2018-19 की तुलना में पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत कितनी है, तो ये है 16.45%। तो इस प्रकार से आप सही ऑप्शन चुन लिए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बकरी विकास से संबंधित कुछ जानकारी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि संख्या कितनी है, तो 32.25 लाख बकरे बकरियों की संख्या है, किसके आधार पर, पशु संगणना 2012 के आधार पर। और प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिए जाने हेतु 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर ठाटपुर जिला कबीरधाम में की गई है, तो ये स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुकर विकास पर भी हम ध्यान देते हैं, कितनी संख्या है शुक्रों की, तो ये आप देखेंगे 4.39 लाख। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्थानों के नाम जो किसके लिए हैं, तो प्रदेश में शुक्र पालन को बढ़ावा दिए जाने हेतु सकालो जिला अंबिकापुर एवं परचमपाल जिला जगदलपुर में शुक्र प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित किया गया है, जिसमें कौन कौन सी प्रजाति रखी जाती है, तो वो है लार्ज वाट या शायर, और दूसरा है रशियन चरमुखा। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि एक नवीन शुगर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना कुनकरी जिला जशपुर में प्रगति पर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं कि प्रदेश भर में बकरे बकरियों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 32.25 लाख। आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि बढ़ावा दिए जाने हेतु 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है, वह निम्नलिखित हैं, तो देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे बकरी प्रजनन क्षेत्र, तो सरोरा जिला रायपुर तो पहला तो है, दूसरा आप देखेंगे रामपुर कबीरधाम ये भी है, लेकिन ये जो तीसरा और चौथा है ये सुकर प्रजनन क्षेत्र है, बकरी प्रजनन क्षेत्र यहां पर नहीं बनाया गया है। और इस प्रकार से सही ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही। आगे बढ़ते हैं और प्रदेश में सुकर पालन, ये सकर लिख दिया गया है लेकिन इसे आप पढ़ेंगे सुकर, ठीक है, थोड़ी बहुत मैनुअल मिस्टेक को आप डाइजेस्ट कर लेंगे, इतनी पाचन शक्ति आपकी मजबूत तो होगी। आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश में सुकर पालन को बढ़ावा दिए जाने हेतु निम्न के स्थानों पर सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है, तो कहाँ कहाँ पर है, तो यह सकालो अंबिकापुर और परचमपाल जगदलपुर, तो सही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 3 और 4, और ये कहाँ पर है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कुक्कुट विकास पर आधारित कुछ आंकड़े, तो यहाँ पर कुक्कुट एवं बतख पक्षी कितने हैं, तो 189.55 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं कि निम्न कितनों पर विचार कर असत्य विकल्प का चयन करें, तो आपको असत्य यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि 2 बतख पालन नहीं बल्कि कितने हैं,
तीन बतख का पालन प्रक्षेत्र है, तो सही ऑप्शन के तौर पर आपको मिलेगा ऑप्शन बी और सी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो भी गलत है कि 9 कुक्कुट पालन दिए गए हैं लेकिन एक्चुअल में कितने हैं ये 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ग्रामोत्थान योजना क्या है ये आपसे अगर पूछे, ये मेंस में पूछा जा सकता है 2 नंबर पर 30 शब्दों पर लिखने के लिए, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करने तथा कृषि कार्यों के लिए उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं के विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई पशु नस्ल सुधार योजनाएं चलाई जा रही है। अब यहां पर ईयर आपसे पूछा जा रहा है जो कि सही ऑप्शन है 2006-07, ये आपको आर्थिक सर्वेक्षण पर दिख जाएगा इस पैराग्राफ पर, इस ईयर को मैंने इस स्लाइड पर नहीं डाला है। आगे बढ़ते हैं और पशु उत्पाद एवं उपलब्धता पर कुछ जानकारी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर उत्पादन क्या क्या है, तो दुग्ध उत्पादन तो 1,567,000 टन, अंडा उत्पादन तो 18.928 लाख, और मांस उत्पादन आप देखेंगे तो 60,886 किलोग्राम। और अगर उपलब्धता अर्थात अब कितना उपलब्ध है, तो दूध की उपलब्धता आप देखेंगे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 143 ग्राम उपलब्ध है, मतलब अगर आप राज्य में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति के आधार पर देखेंगे तो हर आदमी के लिए 143 ग्राम दूध हर दिन के लिए मिल सकता है। और कितने अंडे, तो अंडों की संख्या है 63, और मांस की उपलब्धता अगर आप देखें तो 2.022 किलोग्राम, तो जो नॉनवेज नहीं खाते उनका जो हिस्सा है वो उनके पास चला जाएगा जो नॉनवेज खाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम उपलब्धता कितनी है, तो दूध उपलब्धता आपने यहाँ पर देखी कितनी है, ऑप्शन ए 143 ग्राम। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं मत्स्य विकास पर आधारित कुछ जानकारी, तो मछली उद्योग का GSDP पर भागीदारी, तो ये सबके लिए एक कॉमन जानकारी, कॉमन फैक्ट है, ये सबको याद करना है हर किसी क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप प्रश्न ही देख लेते हैं सीधा कि प्रतिशत वृद्धि कितनी रही है, तो प्रतिशत वृद्धि आप देख रहे होंगे कितनी रही है, तो यहाँ पर आपको इस इमेज पर दिखेगा 4.06%, ऑप्शन ए सही ऑप्शन बन जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखा पूछा जा रहा है कि भागीदारी की प्रवृत्ति क्या रही है, तो सही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा उतार चढ़ाव का, क्योंकि अगर आप इस भागीदारी पर नजर डालें तो कभी बढ़ता हुआ कभी घटता हुआ आपको ये दिखता जाएगा, इसलिए प्रवृत्ति को आपने क्या कहा, उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि योगदान प्रतिशत कितना रहा वर्ष 2019-20 में, तो ये आपको मिल जाएगा 2.07%, और ऑप्शन ए सही ऑप्शन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नानुसार मत्स्य विकास किया जा चुका है, कितना, तो जल क्षेत्र उपलब्ध तो 1.837 लाख हेक्टेयर, इसमें से कितने क्षेत्र में मछली पालन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसका विकास किया जा चुका है, तो 1.739 लाख हेक्टेयर। अब प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखें तो 94.66% आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, इसलिए इसको तो आप याद करेंगे ही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिस भी आंकड़ों से आपको ऐसा आभास हो, ऐसा भाव मिले कि आपका राज्य काफ़ी अच्छी स्थिति पर है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए तो सबसे सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए 94.66%। तो प्रश्न मैं नहीं पढ़ा क्योंकि प्रश्न आप स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे, इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर पहुँच गया, तो अनावश्यक तौर पर अब यहाँ पर चीज़ों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं रहती। चलिए अब यहाँ पर भूमि उपयोग पर आधारित कुछ जानकारी आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहले राज्य में वर्ष 2018-19 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लिखा गया है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे, क्षेत्रफल नहीं क्या हो सकता है, ऑब्वियसली क्षेत्रफल। चलिए तो यहाँ पर आपको शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और आपको सही उत्तर के तौर पर मिलेगा ये वाले कॉलम पर, इस लास्ट थर्ड रो पर जानकारी, तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये रहा हर एक जिला और उनके सामने क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि बोए गए क्षेत्रफल को जिले के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें,
तो सबसे ज्यादा जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे राजनांदगांव, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप पाएंगे महासमुंद दूसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर आपको मिल गया राजनांदगांव और दूसरे नंबर पर आपको मिल गया महासमुंद, और फिर उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा रायगढ़। तो इस प्रकार से ये थर्ड पॉइंट बन जाता है। तो सही सीक्वेंस क्या होगा? तो सही सीक्वेंस होगा राजनांदगांव, फिर उसके बाद होगा महासमुंद और फिर उसके बाद होगा रायगढ़। तो सही ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आप सही ऑप्शन के तौर पर चुन लेंगे ऑप्शन ए। अब हम आते हैं अगली जानकारी, देखते हैं प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको अलग अलग फसल दिए गए हैं और उसके अंतर्गत क्षेत्र दिए गए हैं अलग अलग वर्षों के आधार पर, लेकिन आपको याद कौन सा करना है? ऑब्वियसली 2018-19 का। तो चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित अनाज को उनके अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा धान का है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर आपको देखने को मिलेगा मक्के का, फिर आपको देखने को मिलेगा गेहूं का, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कोदो कुटकी का। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। तो चौथा ऑप्शन नहीं डाला है, तो आप इसे आप अनुमान लगा लेंगे, आप इमेजिनरी ऑप्शन बना लेंगे कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि दालों के बारे में पूछा जा रहा है अंतर्गत क्षेत्र। तो दालों के बारे में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा किसका? चना का। फिर आपको देखने को मिलेगा लाख का, और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उड़द का। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? तो पहला अगर चना है, दूसरा अगर लाख है, और तीसरा अगर उड़द है, तो सही ऑप्शन के तौर पर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम आते हैं प्रमुख फसलों का उत्पादन। तो वर्ष 2018-19 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में अनाज को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अनाज में धान का। फिर उसके बाद किसका उत्पादन हुआ है? तो आप देख रहे होंगे गेहूं का। तो पहले नंबर पर आ गया धान, दूसरे नंबर पर आ गया यहाँ पर गेहूं, तीसरे नंबर पर अगर आप जाएं तो पाएंगे मक्के को, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर आप पाएंगे कोदो कुटकी को। तो तीसरा और चौथा भी आपको मिल गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दालों के उत्पादन के आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ है। तो यहाँ आप देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है चना का। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि वर्ष 2018-19 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में तिलहन को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए अगर आप सबसे ज्यादा उत्पादन देखेंगे तो किसका होता हुआ दिखेगा? ये हमें होता हुआ दिखेगा मूंगफली का। तो ये हो गया पहले नंबर पर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा सोयाबीन, ये हो गया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा राई सरसों, ये हो गया थर्ड पोजीशन पर। तो सही ऑप्शन के तौर पर आप चुनेंगे ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन हम यहाँ पर देखते हैं। तो वर्ष 2018-19 में औसत उत्पादन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आपसे पर्टिकुलर फसलों का नाम देकर औसत उत्पादन भी पूछा जा सकता है या फिर अवरोही क्रम पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अर्थात असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के पैटर्न पर। आगे बढ़ते हैं और सिंचाई स्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र पर आधारित यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। तो ये आपको याद करना है मात्र कौन सा? 2018-19 का। जिलेवार सिंचित क्षेत्र आप यहाँ पर देख लें और आप पाएंगे कि कुल प्रतिशत तो आपने चर्चा कर ली 36%, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सिंचित क्षेत्र आपको किसी जिले पर देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली वो आपको देखने को मिलेगा जांजगीर चांपा जिला में, जो कि है कितना? 81%। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ें तो प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर चांपा है और न्यूनतम सिंचित जिला नारायणपुर है। तो नारायणपुर पर कितना है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1%, लेकिन सबसे न्यूनतम कहाँ पर है? तो सबसे न्यूनतम है 0%, यह है दंतेवाड़ा पर। तो दूसरा कथन तो असत्य हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से चैप्टर 7 को भी हमने यहाँ पर खत्म किया है। कुछ नए तरीके से वीडियो को बनाने का प्रयास किया गया है,
थोड़ी सी चुनौती जरूर यहाँ पर आई है, लेकिन इसे धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, हमें और आपको अपने जीवन में अपने कार्य को अपने मेहनत को बार बार क्या करना है, सुधार करते जाना है। और इस प्रक्रिया के दौरान ही हमें अपने गलतियों का विश्लेषण करने का मौका मिलता है और उसे सुधार करने का भी मौका मिलते रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसे बार बार डेवलप करने के लिए का प्रयास मैं कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक या कितना और बेहतर इसे किया जा सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे बताते जाएंगे और अगले चैप्टर को लेकर मैं अगले वीडियो पर आपके सामने आऊँगा। ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।